चर्चा कर लेते हैं। आज द्वादशी है, आश्रम हर द्वादशी को भंडारा होता है। आप चाहें तो अपने घर में ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं। नारद पुराण में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है, कहा वर्ष में एवं व्रतम कृत्वा घृत धेनु समन्विता। यदि किसी ने एक वर्ष भी किसी ब्राह्मण को साल भर हर द्वादशी को भोजन घी का भोजन कराया सयात उद्याद्रवे सर्वोपस्कर संयुताम और एक साल के बाद में उस ब्राह्मण को धेनु गऊ दान का गऊ दान में दी है, घृत के पदार्थ खिलाए हैं और बहुत बड़ी बात कही है सयात उद्याद्रवे और सैया का दान किया है, ये द्वादशी के दिन यदि कुछ ऐसा किया गया है, यह ग्रंथाकार वर्णन करते हैं सप्त जन्मश भुक्तेचा भोगा लोकाभिशप्तान, सात जन्मों तक उस व्यक्ति के जीवन में गरीबी नहीं आ सकती, दरिद्रता नहीं आ सकती। वो लोग बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ द्वादशी भंडारा आश्रम के साथ जुड़ा है। इसलिए इसके ऊपर मैंने बड़ा जोर दिया था, दोनों द्वादशी और एक अमावस्या और पूर्णिमा, एक महीने के ये चार जो भंडारे हैं और आज द्वादशी है, द्वादशी का भंडारा वर्ष में एवं व्रतम कृत्वा, आपने यदि एक वर्ष तक के लिए भी यह कर लिया, घृत धेनु समन्वितम घी का भोजन ब्राह्मणों को कराया, गौ माता को कुछ खिलाने के लिए दिया, तो इसकी महिमा बताई गई। सप्त जन्मस भुक्तेचा भोगा लोक देवशदान, सात जन्मों तक उसके जीवन में गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता चल करके आएगी नहीं और जिंदे जी वो स्त्री पुरुष अपने आप में मुक्त हो जाएंगे। द्वादशी की इतनी बड़ी महिमा, एकादशी द्वादशी में पड़ जाती है तो एकादशी की महिमा 26 गुनी ज्यादा हो जाती है। इस बात का कल मैंने आपके बीच में निवेदन किया था। तो सबसे पहले तो आपको सबको आज के पावन दिन की बड़ी आपके लिए बधाई है, मंगलमय शुभकामनाएं हैं ईश्वर की कृपा से ही, और हम और आप सीधाम वृंदावन की इस धरती पर बैठे हैं। मुझे एक मिनट आइए, अब मैं कुछ बातें कर रहा हूँ आपको। कांचनम कामदेवम च शुक्लांगा च पयश्वनी वासोभिद्वजदां पत्युं पूजयत्वा समर्पयेत्। पति और पत्नी दोनों मिलकर के गौ माता की पूजा करते हैं द्वादशी के दिन, प्रदोष के दिन वत्स बछड़े की पूजा की बड़ी महिमा है। द्वादशी के दिन गौ माता के दान की, कोई एकादशी का उद्यापन करा के द्वादशी के दिन गोदान करते हैं, पूर्व में भी मैंने बोला है कि उसकी बड़ी महिमा है। श्री संयम श्री हरिम हेमंत जाग्राय निवेदित, भगवान के लिए कोई सैया, ब्राह्मण के लिए कोई सैया का दान करता है तो उसकी महिमा इतनी बड़ी है, चारपाई पर उस व्यक्ति के प्राण नहीं निकलते, ये सैया दान की इतनी बड़ी महिमा। वैशाख शुक्ल द्वादश्याम सोपवासो जितेन्द्रिय संपूज्य माधव भक्ता गंधादैरुपचारक। इसमें लोगों को जितेंद्रिय होकर के दान पुण्य धर्म कर्म करना चाहिए, मधुर पकवान से भोजन करावे, कुंभ जल यानी पानी से भरा हुआ मटका उसका दान करें, इससे माधव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान माधव को प्रसन्न करने वाली आज की यह द्वादशी है। लिखा है पकवानम तृप्ति जनकम मधुरम सोद कुंभकम विप्रायदाभिदन माधव प्रियतामिति। भगवान माधव को प्रसन्न करने के लिए आज की तिथि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा आनंद कर देने वाली है। आज का दिन इतना भैया मांगल कहे इतना बढ़िया है। भगवान नारायण के वंदन पूजन के लिए पात्राणी च दधे भक्ता विष्णु में प्रियतामिति। जब भी आप किसी को पात्र देते हैं, वर्तन देते हैं, इसे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। शादी आप एकाध करोड़ रुपए की करें, यदि शादी में आपने वर्तन नहीं दिए तो उस शादी की पूर्णता नहीं मानी जाती। पहले के समय में आप देखते परातें दी जाती थी बड़ी बड़ी, तमेड़ी कलसा ये सब चीजें रसोई के सब सामान दिए जाते थे। उसी बात का वर्णन किया गया है वैशाख के महीने में तो इन सब चीजों की और ज्यादा महिमा हो जाती है। पात्राणी च ददेद भक्ता विष्णु में प्रियतामिति। जब आप पात्र का दान करते हैं इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद होता है। क्या मिलता है? संसार की भौतिक वस्तुएं मिल जाती हैं, जिन चीज़ों की आपको जरूरत है, मकान है, दुकान है, गाड़ी घोड़े, ये संसार में अपने आप को जीवन जीने के लिए वो समग्र चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है द्वादशी के दिन, सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
बैसाख के महीने में इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैंने को संक्षेप में थोड़ा द्वादशी के लिए आपको बताया, और यह भी कहूँगा जितेंद्रियो जित क्रोधो सर्वभोग विवर्जिता। व्रत वाले दिन इंद्रियों का पतन हो जाए या किसी भी प्रकार का क्रोध आ जाए तो शीघ्र ही उस तिथि का जो पुण्य है वो हाल ही नष्ट हो जाता है, देर नहीं लगती। चाहे आप कौन सा भी व्रत करें, इंद्रियां पतित हो गई, क्रोध आ गया है तो उसका पुण्य तत्काल समाप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। इसलिए तो व्रत वाले दिन मौन रहने की बात कही गई, कहीं बाहर जाने की बात कही नहीं गई। एकांत में अकेले में रह करके भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान को वंदन कीजिए, तभी यह व्रत अपने आप में भैया तभी यह पूरे होते हैं, क्योंकि व्रत से वृत्तियों में सुधार होता है। व्रत के द्वारा व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है, तो व्रत के द्वारा लोग अपने आप को भगवान से जोड़ देते हैं।